हेलो बच्चा, तो आज मैं तुम्हारे बीच एक बहुत ही खतरनाक टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ। रामायण देखो ना बच्चा, रामायण तो सबको ऑलमोस्ट सबको देखा होगा, क्योंकि यहाँ पे हीरो कौन है बच्चा? इस रामायण में हीरो है राम, और यहाँ पे विलेन कौन है बच्चा? विलेन है रावण, है ना। इस रामायण में अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे हीरो राम और रावण विलेन है। विलेन मतलब गुंडा है। तो रामायण में ये दो कैरेक्टर यदि आपने देखा होगा तो मैं बच्चा आज आपके साथ एक बात साझा करता हूं कि आपने ये दोनों कैरेक्टर से सीखा क्या। आप राम को अगर देखे होंगे तो राम बेचारा बड़ा सीधा साधा, बड़ा नॉर्मल, मतलब है ना, ना ज्यादा फेंकना, काम के जितना काम लगे उतना बोलना, ज्यादा ना बोलना, शांत दिमाग का, ज्यादा ना बोलेगा, करेगा ज्यादा, बोलेगा कम, समझ लो। लेकिन एक और देखा होगा कार्टून, एक और कैरेक्टर देखा होगा जो कि रावण है, जिसको मैं बोलता हूं शैतान दिमाग का। राम शांत दिमाग का और रावण शैतान दिमाग का। राम नहीं फेंकता था, रावण फेंकते फेंकते दुनिया से चला गया, समझ लो। राम बिल्कुल बिल्कुल बोलता कम और करता ज्यादा था, रावण सिर्फ बोलता था, करता बिल्कुल कुछ नहीं था। ये दोनों से तुम क्या सीखा आज मैं तुम्हारे बीच बताता हूं बच्चा, कि यदि तुम जिंदगी में बहुत आगे जाना चाहते हो, यदि तुम अपने मां बाप का, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हो, तो बच्चा एक बात तुमको अच्छे से बताता हूं, अपने दिल में खोस लेना, अपने दिमाग के अवचेतन मन में डाल लेना, कभी भी रावण वाला कैरेक्टर नहीं लाना, ज्यादा फेंकने की कोशिश नहीं करना, ज्यादा दिखाने की कोशिश नहीं करना, ज्यादा लोगों को ये बोलने की कोशिश नहीं करना कि यार लोगों को बोलकर बड़ा मजा आएगा उसको। अरे बोलना नहीं है, राम के जैसा करना है, डाउन टू अर्थ रहना है, ठीक है, रावण की तरह अकड़ के नहीं रहना है, झुक के चलना है, समझ लो। सिद्धांत पे राम जो थे हमेशा सिद्धांत पे चलते थे, रावण का कोई सिद्धांत ही नहीं था। इसीलिए अगर राम जैसा बनना चाहते हो तो तुमको राम के हर क्वालिटी को फॉलो करना पड़ेगा। तुमसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, इस समाज में पूरे विश्व में पूजा किसकी होती है, राम या रावण की? तो आप बोलोगे राम की। वेरी नाइस। पुतले किसके जलाए जाते हैं, राम या रावण की? तो तुम बोलोगे रावण की, है ना। पटना में गांधी मैदान है, हर साल अब जब दशहरा में जाओगे ना तो रावण की पुतले जलाया जाता है, बड़का बड़का पुतले जलाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो इंसान जिंदगी में ज्यादा फेंकता है, काम करता कम है, फेंकने वाला काम ज्यादा करता है, उसके ध्यान उसके कामों पे नहीं रहते हैं, इधर उधर है, जिसके जिंदगी में कोई सिद्धांत नहीं है, जो डिसिप्लिन नहीं है, जो समाज को अच्छे नजर से नहीं देखता है, उसके पुतले जलाए जाएंगे। हम सभी को ना रामायण से यही सीखना चाहिए, वो एक नाटक है, समझ लो, राम कथा एक नाटक है, वो हम सभी को सिखाने के लिए किया गया है कि आप सभी लोग भी अगर दुनिया में चाहते हो कि पूजे जाए, दुनिया के लोग सम्मान मान सम्मान दे, तो आपको राम का कैरेक्टर अपनाना है, रावण का नहीं है, ठीक है बच्चा। जिंदगी में बड़ा फोड़ो, और बड़ा फोड़ने के लिए किसी को बोलो नहीं कि मैं फोड़ने वाला हूं, बिल्कुल शांति से मेहनत करो, अपने आप रिजल्ट सब कुछ बता देगा, ठीक है। एक डायलॉग सुने हो ना इंग्लिश में है, एक्शन हैज मोर साउंड देन रिएक्शन, बोलने से अच्छा है करके दिखाओ, और कर दोगे ना फिर लोग दुनिया पूरा दुनिया तुम्हारे लिए बातें करेगी, पूरा दुनिया बैठी है ताली बजाने के लिए, समझ रहे हो, लेकिन पहले बोल दोगे तो मजा नहीं आएगा, ताली बजवाने में मजा नहीं आएगा, इसलिए करने पे फोकस करना, ठीक है। राम का कैरेक्टर अपनी जिंदगी में अपनाना है, रावण का बिल्कुल भी नहीं। चलो करोगे ना, चलो ठीक है, करो, मिलते हैं।